हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, तो ईश्वर का संदेश यानी कि डिवाइन मैसेजेस, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। ओके, हर सिचुएशन के लिए है और हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। ओके, और सभी जोडियक साइंस के लिए है। तो आप कितने भी समय बाद इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, आपको गाइड कर सकती है, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, कि क्या ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, भगवान है, ईश्वर है या यूनिवर्स है, जो वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, ये हम देखते हैं। डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए, ईश्वर का संदेश क्या है आपके लिए। और व्यूवर्स, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए, तभी आप यहां तक पहुंचे हैं। हियर वी हैव दिस फर्स्ट कार्ड, सीक्रेट विजन, इंटरेस्टिंग। वेल, आई नीड वन कार्ड एट वन टाइम। यस, फेथ, ब्यूटिफुल। ओके, तो व्यूअर्स, हमको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कि हमारे जो गाइडेंस में है, ये आपको गाइड करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए माँ काली जो हैं, उनका कार्ड यहाँ पर आया है। तो आप उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, ब्लेस्ड फील कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो आपकी रीडिंग को ब्लेस कर रही हैं। धर्मा अनफोल्डिंग, इंटरेस्टिंग। ओके, तो व्यूअर्स, यहाँ पर माँ काली जो हैं वो आपको गाइड कर रही हैं, ब्लेस कर रही हैं इस रीडिंग में। मैं कहूँगी कि आप ब्लेस्ड फील कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, और कहीं ना कहीं अपने आप को इतना लकी समझिए कि आपको माँ ब्लेस कर रही हैं। ओके ओके, चलिए, आपकी रीडिंग को ब्लेस कर रही हैं, यानी कि आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स हैं, आपके लिए कुछ गाइडेंस है उनकी तरफ से। तो सबसे पहले मैं यही कार्ड कंसिडर करती हूँ, और इस कार्ड में मैसेज है, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा साफ साफ है कि पहली बात तो ये कि आपको अपने फियर को ना फेस करना है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में करेंटली चल रही होंगी ऐसी, जहाँ पर आपको बहुत कुछ करने में डर लगता है, या फिर बहुत कुछ अभी आपके साथ हुआ ही नहीं है लेकिन आपको डर लगता है कि ये हो गया तो, मेरे साथ ये हो गया तो, ये मुझे छोड़ के चला गया तो, मेरी जॉब छूट गई तो, मेरे पैसे चोरी हो गए तो, या कुछ भी एक्स वाई जेड। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हुई भी नहीं है, जिनका चांस पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन आप उनको सोच सोच के डरते हो, यानी एंग्शियस होते हो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपका मन तो करता है कि आप करें, लेकिन डर की वजह से नहीं कर पाते। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको बोलनी हैं, ज़रूरी हो सकती हैं वो बातें, लेकिन आप नहीं बोल पाते क्योंकि आपके मन में किसी बात का डर है। तो पहली बात व्यूअर्स, ये जो चीज़ें आपको डरा रही हैं या जिन चीज़ों से आपको डर लग रहा है, आप पहले अपने डर को ओवरकम कीजिए। और डर को कैसे ओवरकम करेंगे, उसको फेस करना पड़ेगा। भागिए मत किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से भागकर सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, आपको वो सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप उसे फेस करके ओवरकम नहीं करते अपने फियर को, बार बार वो चीज़ आपको डराती रहेगी, और कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए आप केपेबल हैं भी, इनफ स्ट्रांग हैं भी, तब भी अपने आप को वीक और वल्नरेबल फील करते रहेंगे, और वो आपके खुद के साथ जस्टिस नहीं होगा। इसीलिए अपने डर को फेस कीजिए और उसे ओवरकम कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल थे, आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। ये सब करना, ये सब फेस कर लेना इतनी बड़ी बात नहीं थी, आपको फिर ये इजी लगेगा। और जब माँ काली आपको ब्लेस कर रही हैं, जब काली माँ आपको ब्लेस कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि जब वो साथ में हैं, जब वो साथ में हैं, तो फिर आपको किस चीज़ का डर, किस एनर्जी का डर, किस नेगेटिविटी का डर, किस फेलियर का डर, या कह सकते हैं कि किस इंसान का डर, किस बात का डर। जब
वो साथ हैं जो अपने बच्चे को या अपनी संतान को इस तरह प्रोटेक्ट करेंगी कि आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, आप तो सरेंडर कर सकते हैं उनके आगे, नतमस्तक हो सकते हैं कि जब आप मेरे साथ हैं, आप मुझे ब्लेस कर रही हैं, आपकी तरफ से मुझे मैसेज मिला है, तो फिर अब मैं क्यों डरूं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको डरने की जरूरत वैसे भी नहीं है, आप फेथ रखिए और अपने डर को ओवरकम कीजिए, क्योंकि यहाँ मैसेज है मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर कमिंग, यानी कि बहुत ज्यादा मेजर बड़े स्पिरिचुअल चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। और ये जो स्पिरिचुअल चेंजेस होते हैं ना व्यूवर्स, ये बहुत टफ लगते हैं, बहुत ऐसा लगता है मेरी लाइफ बहुत बिखर गई है, जैसे मेरी लाइफ में इतना दुख कहाँ से आ गया है, ये मेरे को क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में इतना पेन, इतनी सैडनेस और इतनी इमोशनल और हर तरह की अनस्टेबिलिटी कैसे आ गई है। उस समय हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो हमारा स्पिरिचुअल पाथ होता है, वो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होती है कि उस समय हम उसे कैसे डील करते हैं, कैसे अपने आप को बैलेंस रखते हैं और वो टफ सिचुएशंस हमें किस तरफ धकेलती हैं। देखिए, ये टफ सिचुएशंस आपको यूनिवर्स या परमात्मा, भगवान, ईश्वर की तरफ धकेलती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जब इंसान की लाइफ में दुख आता है और वो उसके उसके संभाले नहीं संभलता है, तो वो ईश्वर की तरफ दृष्टि करता है। ऐसा कहते हैं कि जब संसार में देखने योग्य कुछ भी नहीं रह जाता, तब मनुष्य परमात्मा की ओर दृष्टि करता है। ये मैंने इंटरनेट पर ही कहीं सुना था, सही बात भी है कि जब कुछ देखने जैसा ही नहीं रहता, लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक, इतनी 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 ज़्यादा पेनफुल हो जाती है, तो इंसान फिर ईश्वर की तरफ दृष्टि करके ही अपने आप को संभालता है। और जब वो ईश्वर की ओर दृष्टि करता है या कहीं ना कहीं अपने अंदर स्पिरिचुअल चेंजेस करने की, स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, तब उसको समझ में आता है कि ये सब तो चलता रहेगा, ये सब तो मेरे लिए एक्सपीरियंसेस हैं और ये सब एक्सपीरियंसेस मुझे इसीलिए मिल रहे हैं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाऊँ। तो जो भी इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी आती है वो बहुत टफ होती है। अब ज़्यादातर लोगों से पूछेंगे कि स्पिरिचुअल होना तो अच्छी बात लगती है, अच्छा साउंड करता है, लेकिन जो जर्नी होती है वो बहुत टफ होती है, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी इस तरह के अप्स एंड डाउन्स और एक टफ जर्नी है, लेकिन यहाँ पर मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आ तो रहे हैं, लेकिन यही आपका चांस है, ये आपका समय है कि जब आपको इन इन सब सिचुएशन से घबरा कर बैठना नहीं है, बल्कि अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करने की कोशिश करनी है, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस में, टफ सिचुएशंस में आप अपने आप पर ऐसा फोकस करेंगे कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करें, तो उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में आप उन सिचुएशन से ऊपर उठ जाएंगे, ऐसी परिस्थितियों से ऊपर उठ जाएंगे। तो ये करना है आपको। सेकंड, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, रिमेंबर दैट यू आर ऑन द पाथ। देखिए, यहाँ पर भी यही मैसेज है, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। ओके, तो व्यूअर्स, धर्म अनफोल्डिंग का कार्ड है, तो ऐसा यहाँ पर गाइड किया जा रहा है कि आप याद रखिए कि आप एक ऐसे पाथ पर हैं जो आपको क्या कहते हैं, परमानंद की ओर ले जाएगा, यानी कि जो हैप्पीनेस की हाईएस्ट स्टेज है, यानी कि जब इंसान इंसान आनंद में हो जाता है, परम आनंद उसको मिलता है, तो वो हैप्पीनेस जब आपका गोल है, जब आपको वहाँ पहुँचना है, क्योंकि हर सोल का वही गोल है, उस परमानंद में जाकर रहें, यानी उसी में अपने आप को रखें, यानी कि उसी इमोशनल स्टेट में हम रहें, तो उसी उसी इमोशनल स्टेट में आपको पहुँचना है, इतना स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन करना है। और उसके लिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि आप एक ऐसे पाथ पर हैं जिसकी ओर आपको बढ़ते रहना होगा, वहाँ से यू टर्न नहीं लेना है, वहाँ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, यू जस्ट नीड टू कीप मूविंग टुवर्ड्स दैट गोल, कि आपका जो गोल है अल्टीमेट जो हैप्पीनेस है वहाँ तक आपको पहुँचना ही है, जहाँ आपका मन शांत, संतुष्ट और परमानंद में लग जाएगा, लीन हो जाएगा वैसा। तो उस पाथ पर चलने से डरिए मत, और याद रखिए, बार बार अपने आप को रिमाइंड कराइए कि आप एक ऐसे स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी नहीं है कि छोड़ सकते हैं। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी को छोड़ने की बात करेंगे कि अब मैं स्पिरिचुअलिटी वगैरह नहीं, तो लाइफ आपको और ज़्यादा हार्ड हिट करती है, यानी और ज़्यादा आपको शॉक्स मिलते हैं, धक्के लगते हैं, शॉक मिलता है, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, और ज़्यादा लाइफ में ना ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो अगेन आपको वापस स्पिरिचुअल पाथ पर आना ही पड़ता है। इसीलिए बोला भी जा रहा है कि आप अपने आप को याद दिलाइए दैट यू आर स्टिल ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, एंड टेक वन स्टेप टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस, एंड वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप उस तरफ बढ़ते रहिए। डू नॉट स्टॉप, डू नॉट लुक बैक, मूव फॉरवर्ड। ओके,
यस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी लाइट. देखिए व्यूवर्स, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा बुरा है जो हमें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, आंखों के ही सामने है. लेकिन हम जब बात अच्छाई की आती है, इंसानियत की आती है, प्रेम की आती है, सद्भावना की आती है, तब हम कहते हैं है कहाँ दुनिया में, खत्म हो गई इंसानियत, प्रेम है कहाँ, खत्म हो गया. तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो चीज़ हमें इतनी ईजीली दिख नहीं रही है हमारे आसपास, हमारा विश्वास ऐसा ही होता है, हमारा मन ऐसा बोलता है, खत्म हो गया. तो व्यूअर्स, आपको अपने अंदर शांति रखनी है और अच्छाई जो है उस पर ज़्यादा फेथ रखना है. यानी आपके अंदर जो अच्छाई है उसमें आप ज़्यादा फेथ रखें. जब इंसान कहता है मैं तो इतना बुरा हूँ, इतना गलत हूँ, मैंने ये गलत काम किए हैं, मैंने इतना गलत गलत बोला है, इतना गलत गलत एक्शंस किए हैं, तो भी उसे ये पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें जो हैं वो फेथ रख सकता है अपने ऊपर कि हाँ, अगर मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हो गई हैं कि मैंने गलत काम किए हैं, तो कल को मैं इनको रोक भी सकता हूँ, कल को मैं ऐसा बिहेवियर चेंज भी कर सकता हूँ. क्योंकि आइडेंटिफाई कर लिया या रियलाइज़ हो गया कि ये कमी है मेरे अंदर, तो उसके बाद इंसान उस कमी को फिक्स कर सकता है, चेंज कर सकता है. तो उसमें भी आप पॉजिटिविटी सोचिए कि कम से कम मुझे अपनी गलती तो रियलाइज़ हुई. ये नहीं कि बस अपने आप को ब्लेम करते रहे, क्रिटिसाइज़ करते रहे. एक पॉजिटिविटी की तरफ, दुनिया में अच्छाई है, हम में अच्छाई है, इस तरफ आपका पर्सपेक्टिव ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कह रहे हम भी बुरे हैं, दुनिया भी बुरी है, हमारे अंदर भी बहुत बुराइयाँ हैं, दुनिया भी बहुत बुरी है. अरे वो तो है ही, लेकिन क्या आप में अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपने अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कर लिया है, जान भी लिया है कि जो मैंने बोला है किया है वो गलत है, तो उसके बाद आप दोबारा वो रिपीट नहीं करेंगे. और दुनिया में आप जब ऐसे देखने पर नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को डीपली स्कैन करेंगे, किसी चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अभी भी बहुत प्यार, बहुत करुणा, बहुत ह्यूमैनिटी बाकी है. और वही है जो आगे और बढ़ाएगी ह्यूमैनिटी को, वही प्रेम है जो आगे इस प्रेम को, शांति को और बढ़ाएगा. तो दुनिया में अच्छा क्या है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, एज़ कम्पेयर टू के क्या बुरा है, कितनी गंदगी है, कितनी बुराइयाँ हैं, उस पर कम फोकस करके क्या अच्छा है इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए. और ह्यूमैनिटी पर विश्वास ज़्यादा कीजिए, शांति पर विश्वास ज़्यादा कीजिए. और वो अभी भी है और वो आगे और ज़्यादा ग्रो करेगा, इस चीज़ पर विश्वास रखिए. फेथ लूज़ मत कीजिए, काम रहिए, पैनिक मत कीजिए. और कहीं ना कहीं दुनिया में कितनी अच्छाई है, कितनी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो आप देखिए. इतना इम्पॉसिबल है, कितना बुरा हो सकता है, वो तो आपको सामने से दिख जाएगा, लेकिन कितनी अच्छाई है, कितनी ह्यूमैनिटी है, वो आप अपनी नज़रों से ढूंढिए. ओके, डीपली समझिए और समझिए कि कितनी अच्छाई बाकी है अभी. जब सिचुएशन को आप कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे, तो पता लगेगा कि ये दुनिया सर्वाइव ही ह्यूमैनिटी पर करती है, ये दुनिया सर्वाइव ही प्रेम पर करती है. तो अभी भी प्रेम और ह्यूमैनिटी होगा, वरना दुनिया अब तक खत्म हो चुकी होगी. तो एक पॉजिटिविटी का आपको पर्सपेक्टिव रखना है. सेक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील. कहीं ना कहीं व्यूअर्स, जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया, आप उनको माफ़ कर दीजिए, चाहे वो आपसे माफ़ी मांगे या ना मांगे. जस्ट फॉरगिव देम. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी हैव सम वाटर. तो ऐसे लोगों को आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों के प्रति आप अपने दिल में शिकायतें, कंप्लेंट्स, ग्रजेस और मनमुटाव रखेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे आपकी एनर्जी हैवी होती है. देखिए, जिस इंसान के दिमाग में और मेमोरी में इतनी नेगेटिव बातें होती हैं कि वो बुरा है, इसने गलत किया था, उसकी तो मैं कभी गलती भूल नहीं सकता, उसको तो माफ़ नहीं करूँगा कभी, तो इससे क्या होता है, अपनी एनर्जी बहुत नेगेटिव और बहुत हैवी हो जाती है. ओके, और खुद का हार्ट जो है, कहीं ना कहीं वो हार्ट चक्रा जो है वो अनस्टेबल रहता है, या मैं कहूँगी अनबैलेंस्ड रहता है. इसीलिए यहाँ पर खुद को हील करने के लिए, खुद की एनर्जी को लाइट करने के लिए आपको फगिव करना होगा ऐसे लोगों को. और सिर्फ ऐसे लोगों को नहीं, जिनका आपको पता है कि इन्होंने मुझे हर्ट किया है, कि मैं इनको फगिव कर दूँ. ऐसी आत्माएं, ऐसी सोल्स जो इस लाइफ से पहले भी, प्रीवियस लाइफ्स में आपको गलती से जान के या अनजाने में हर्ट कर चुकी हैं, किसी भी तरह से आपको उनको भी फगिव करना है. तो ऐसा बोलिए, आई फगिव ऑल ऑफ दोज सोल्स, यानी कि मैं उन सभी आत्माओं को माफ़ करता हूँ या करती हूँ. आई फगिव ऑल दोज सोल्स और द पीपल जो इस लाइफ में मुझे हर्ट कर चुके हैं,
और या फिर पास्ट लाइफ्स में मुझे हर्ट कर चुके हैं. ओके, सो इफ दे हैव हर्टेड यू इन द पास्ट लाइफ और इन टुडेज टाइम, दोनों ही सिचुएशंस में आप उन्हें माफ़ कीजिए. तो जिनको जानते नहीं हैं, जिन्होंने किस जन्म में आपको हर्ट किया है, उन आत्माओं को भी माफ़ कीजिए और अपनी लाइफ को और ज़्यादा लाइट कर दीजिए और ज़्यादा ब्यूटिफुल कर दीजिए. साथ ही साथ व्यूअर्स, यहाँ पर मैसेज है दैट सी द लाइट इन ऑल. मैंने कहा ना कि अपनी लाइफ को और लाइट कर दीजिए और अपने पर्सपेक्टिव को और ज़्यादा क्लीन कर दीजिए, क्लेंस कर दीजिए, और फिर आपको हर तरफ प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, अच्छाई ही अच्छाई, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी फील होगी. क्यों? क्योंकि आप अंदर से पॉजिटिव हो जाएंगे. जैसे जो इंसान प्यार में होता है उसे सब कुछ प्यारा लगने लगता है, जो इंसान प्यार में होता है उसे वही दुनिया प्यारी लगने लगती है. तो वही जब अंदर से हम पॉजिटिव होते हैं तो हमें बाहर भी पॉजिटिव ही दिखता है. रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज. सही बात है. तो व्यूअर्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रेम को, पॉजिटिविटी को ख़त्म कर देती है, ऐसी चीज़ को रिलीज़ करना ही अच्छा है. और ऐसी चीज़ को अपनी लाइफ से रिलीज़ करिए जिसकी वजह से ऐसा कोई थॉट या ऐसा कोई पैटर्न या ऐसा कोई विश्वास जिसकी वजह से दूसरों के साथ आपका मन मुटाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी हैवी होगी, नेगेटिव होगी, ऐसी चीज़ों को लाइफ से रिलीज़ कीजिए. सो दिस वॉज द रीडिंग. चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय फैमिली.